Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Chandni Sagatramani and as you guys can see in the title, आज का जो वीडियो होने वाला है ना वो होने वाला है कुर्ती हॉल. और ये जो कुर्तीज हैं वो सारी मैंने ली हैं अमेजोन से. ये सारी जो कुर्तीज थी वो सब थी 300 के अंदर. अब मैंने ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा देखी है कि अफोर्डेबल हॉल्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इन द वीडियो. और ये सारी जो कुर्तीज हैं वो आप नॉर्मली लाइक कॉलेज वेयर में यूज़ कर सकते हो, ऑफिस वेयर में यूज़ कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा सही प्राइस पड़ेंगी आपको. तो ये जो फर्स्ट कुर्ती है ये है पिंक कलर में. यहाँ पे आपको जो वर्क दिया हुआ है ना यहाँ पे वो थोड़ा ऐसे बोलते हैं ना थोड़ा चमकीला टाइप वर्क है. तो हाँ ये वाली थोड़ी सी ऐसी टाइप की कि आप ऑफिस या कॉलेज में नहीं पहन सकते. अगर पहन सक मतलब कोई कॉलेज में फंक्शन हुआ या ऑफिस में कुछ हुआ छोटा मोटा तो आप तब ये पहन सकते हो. नॉर्मली में थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो इधर चमक दमक दिया हुआ है इसका. अब इसमें साइज इसमें मैंने लिया है L और मुझे लगता है L साइज मैंने नहीं ऑर्डर किया था, ये भूल से दिया गया है. मैं इतना तो मुझे याद है कि मैंने इसमें L साइज ऑर्डर नहीं किया था, तो ये भूल से L आ गया है. बट इसका जो मटेरियल है वो बहुत ज़्यादा सही है. अब इसके साइज के साथ साथ एक और प्रॉब्लम थी मैंने जो भी पढ़ी. अब इसके जो इधर लिखा हुआ है वो है ये साइज L में आया है जो मैंने ऑर्डर नहीं किया था L साइज. दूसरा ये कलर रेड बता रहा है जबकि ये पिंक है, दिखने से ही पिंक लग रहा है. पता नहीं वीडियो में थोड़ा ज़्यादा डार्क लग रहा है पर यहाँ पे ये एग्जैक्ट पिंक कलर है. पता नहीं क्यों इसमें रेड लिखा हुआ है बट मुझे ये कुर्ती अच्छी लगी. साइज की बात की जाए तो मुझे पता है मुझे अच्छे से नहीं आने वाली, तो मैं पता नहीं कैसे आपको दिखाऊंगी. थोड़ा बहुत मुझे टेंशन लग रहा है कि इसका ये निकल नहीं जाए, बट स्टिल देखते हैं ये कैसा रहता है. क्योंकि ये जो कुर्तीज होती है ना उनका तब पता चलता है जब ये वॉश होती है और धुलने में डालते हो ना इनको पिंक या रेड कलर को, तो उनका कलर जाता ही है. तो मुझे लगता है इसका भी वैसा होगा, जितना आइडिया है मुझे लगता है इसका भी वैसा होगा. और अगर ऐसे फेड होती है ना फिर बहुत ज़्यादा बुरी दिखती है, तो उसका एक प्रॉब्लम है. बाकी उसके अलावा ये 300 के अंदर में बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रही है. सो गाइस आगे बढ़ने से पहले मुझे आपके साथ एक प्रोडक्ट शेयर करना है जो मैं जल्द से जल्दी कर लेती हूँ. जो एक प्रोडक्ट है वो है डर्माहो का 1% कॉजिक एसिड डेली ब्राइटनिंग बॉडी वॉश. अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है डर्माहो के बॉडी वॉश के बारे में क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ और मुझे जितना पता है मुझे से बोल सकते हैं कि पिगमेंटेशन होता है, डार्क स्पॉट्स होते हैं फेस पे होते हैं, तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाती हैं उनको हटाने के लिए. बट बॉडी का क्या, क्योंकि बॉडी में भी बहुत बार ऐसा होता है कि पिगमेंटेशन होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, बट उनको कैसे हटाना चाहिए, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो जो बहुत ज़्यादा सही रहेगा. अगर आपको उसके अलावा कोई प्रॉब्लम्स है स्किन की तो मैं आपको बता देती हूँ उनके बारे में भी. अगर आपकी स्किन रफ है तो आप उसके लिए 1% सैल्सिलिक एसिड डेली एक्सफोलिएटिंग बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हो. अगर आपको चाहिए कि आपकी स्किन ग्लो करे तो उसके लिए है 1% विटामिन सी डेली ग्लो बॉडी वॉश. और अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो आप उनका 1% सेरामाइड ओट हाइड्रेटिंग बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हो. मैं फिलहाल कॉजिक एसिड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, तो मैं आपको उसके बारे में आगे वीडियो में बताती हूँ. The Dermaco 1% Kojic Acid Daily Body Wash has the power of two actives, 1% Kojic Acid and Alpha-Arbutin. It deeply cleanses and brightens your skin, gives up to 24-hour hydration and helps to treat pigmentation, dark spots and blemishes to give even toned skin. Guys, अगर आपको ये products buy करने हैं तो यहाँ है मेरा coupon code जो है Chani2023 जिससे आपको मिलेगा 20% off आपकी purchase पे. ये products available है Nykaa, Amazon, Flipkart और Dermaco की खुद की website पे. अगर आप उनकी खुद की website से buy करते हैं तो वो आपको link करते हैं एक बच्चे के साथ जिसको आप education में help कर सकते हो, जो बहुत अच्छी चीज़ है. और Dermaco के सारे products fragrance free भी हैं, तो आप इनको जरूर try कर सकते हो. अब हम चलते हैं आगे वीडियो में. तो अब हमारी जो नेक्स्ट कुर्ती है वो है ये वाली. मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल कुर्ती है, वाइट कलर का वर्क किया हुआ है इस पर. मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था और मुझे उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत देर हो गई, तो लाइट्स चेंज हो गई हैं और अब बहुत प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि नेचुरल लाइट में काफ़ी अच्छी वीडियो आती है बट इस लाइट में बहुत बकवास हो जाता है हर चीज़. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं. और ये जो कुर्ती थी इसकी बात कर रही थी, अब इसको अब भी अच्छे से देख पा रहे होंगे. यहाँ पे व्हाइट कलर का वर्क किया हुआ है इसमें, थोड़ा सा ऐसे बोल रहे हैं थ्रेड वर्क टाइप किया हुआ है. इसका मटेरियल काफ़ी पतला है जो गर्मियों के लिए बहुत सही रहेगा, बट नॉर्मली पहनने के लिए अगर आप देखोगे तो थोड़े टाइम में ये ऐसा हो सकता है कि फट जाए बिकॉज बहुत ज़्यादा पतला मटेरियल है, तो उसको थोड़ा संभाल के रखना पड़ेगा. ये 300 के आसपास ही थी, समथिंग 299 या समथिंग की थी मुझे नहीं याद है, बट मैंने इसमें साइज S ऑर्डर किया है. ये समथिंग 299 के आसपास ही थी, मतलब एग्जैक्ट 300 ही हुआ इसका प्राइस. और यहाँ पे आप
साइड से देख सकते हो ऐसे टाइप की है। मुझे ये पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे वी नेक दिया हुआ है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अब ये जो इसका ऊपर का पैटर्न था यही मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, इसके लिए मैंने ये ली थी। ये भी पिंक कलर में है, जैसे मैंने आपको बोला मैं बहुत सारे पिंक लेके बैठी हूँ अपने साथ, तो ये भी पिंक कलर में है, पर मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मुझे लगता है अगर आपको कुछ सिंपल से अलग पहनना है, लाइक कॉलेज वेयर में पहननी है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। अब नेक्स्ट जो है वो है ये वाली कुर्ती, ये है ग्रीन कलर की। अब मैंने इसको ऑर्डर किया, जब मैंने इसको देखा मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी फोटोज में, तो ये एक्चुअली में भी ये अच्छी आई है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसको जब फोटोज में देखा तो भी ऐसी ही दिख रही थी। इसका मटेरियल काफी अच्छा आया है, इसका साइज मैंने एस ऑर्डर किया है, और आगे से आप इसका पैटर्न देख सकते हो, यहाँ पे फ्लोरल प्रिंट दिया हुआ है, बट नीचे जो प्रिंट दिया हुआ है ना यहाँ पे, वो थोड़ा मुझे वो मम्मी टाइप्स वाला फीलिंग दे रहा है, जैसे मेरी मॉम पहनती है वैसे टाइप की कुर्तीज वाला फील दे रहा है। इसलिए मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं शायद इसमें मेरी मॉम का साइज ऑर्डर कर लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सही है जिस प्राइस पे पड़ी है, क्योंकि ये प्राइस बहुत ज्यादा सही था। इसका मटेरियल इतना अच्छा है उस प्राइस के हिसाब से, मतलब मुझे नहीं पता है मेरी मम्मी जहाँ से भी लेती है कुर्तीज, क्योंकि मेरा इतना ध्यान नहीं होता मेरी मम्मी कहाँ से खरीदती है कुर्तीज, बट मेरी मम्मी ने ये बोला कि ये 300 में बहुत सही है, तो मुझे लगता है कि सही में ये बहुत अच्छी है। अगर आपको किसी को गिफ्ट करनी है, लाइक ऐसा कुछ चाहिए जो अफोर्डेबल हो, तो आप इसके लिए जा सकते हो। आप इसको खुद भी पहन सकते हो ऑफिस वेयर में, या तो अपनी मॉम को भी गिफ्ट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब इसका मटेरियल बहुत ज्यादा अच्छा है उस हिसाब से। मुझे लगता है ये सही से आ जाएगी, क्योंकि मैंने इसका साइज तो एस ऑर्डर किया है, बट लेट्स सी कि ये कैसी निकलती है। ये है हमारी लास्ट कुर्ती, और मुझे ये वाली कुर्ती ठीक लगी सबसे ज्यादा, मतलब वो तीनों तो भी मुझे अच्छी लगती है, ये थोड़ी ठीक लगी, क्योंकि इस पे जो व्हाइट कलर है, मुझे लगा था कि ये प्रिंट नहीं होगा, कुछ थ्रेड वर्क होगा, पर ये प्रिंट में आया है जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। और इसमें मैंने साइज एस ऑर्डर किया है, मुझे लगता है कि ये वाली थोड़ी और अच्छी हो सकती थी जिस प्राइस पे, क्योंकि इसका मटेरियल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन अगर आप समर्स के हिसाब से सोचो तो ये समर्स में आपको नहीं सही रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी हो सकती है। इसमें ये हाफ स्लीव्स दी हुई है, आगे से भी पैटर्न जो नेक का है वो भी बहुत सिंपल सा है, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। तो आप इसको ले सकते हो अगर आपको अच्छी लगती है, तो पहनने के बाद मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, तब अच्छी लगती है आप जरूर ले सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कुर्तीज थी जो 300 के अंदर थी, अगर आपको देखनी है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको इनमें से कुछ भी अच्छा लगता है तो इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, जैसे मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस लेके आऊँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और बेल का दबाना मत भूलना, जिससे आपको पता चले मेरी न्यू वीडियो कब आ रही है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए कमेंट्स में बताना जरूर कि आपको क्या क्या अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी, बाय।